वेलकम टू KS Academy। इस प्रेजेंटेशन में जो हम बात करेंगे दैट इज ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग, वो हम किसकी बात करेंगे, सुपरवाइज्ड लर्निंग की बात करेंगे कि सुपरवाइज्ड लर्निंग है क्या। बेसिकली सुपरवाइज का मतलब क्या है, सुपरवाइजर, है ना। सो ये अंडर सुपरवाइजर होता है, इट इज डन अंडर अ सुपरवाइजर, किसी सुपरवाइजर के अंडर ये काम किया जाता है, ये काम किया जाता है। एंड इसमें ट्रेनिंग डाटा लेबल्ड होते हैं, ट्रेनिंग डाटा आर लेबल्ड, इसकी मैं बात करता हूं थोड़ी देर में, लेबल्ड। देखो होता क्या है, चलो इसको मैं थोड़ा इसी से समझाता हूं अपने नोट से। होता क्या है कि इन सुपरवाइज लर्निंग वी ट्रेन द मशीन यूजिंग लेबल डाटा, कि हम अपनी मशीन को लेबल्ड डाटा से ट्रेंड करते हैं। कहने का मतलब है मैं अलग अलग इनपुट दूंगा एंड अलग अलग आउटपुट दूंगा, ठीक है, अलग अलग इनपुट दूंगा एंड इसके करस्पॉन्डिंग में अलग अलग आउटपुट दूंगा। कि वन अगर मैं इनपुट करता हूं तो आउटपुट मेरा 2 आएगा, 3 इनपुट करता हूं तो मेरा आउटपुट 4 आएगा, 5 इनपुट करता हूं तो मेरा आउटपुट 6 आएगा। मैंने इसको सिखा दिया अच्छी तरह, ठीक है। इट वी प्रोवाइड द इनपुट एंड देयर करस्पॉन्डिंग आउटपुट, देन मशीन ट्राइज टू फाइंड अप्रोप्रिएट मैपिंग फंक्शन। तो जब हम अगली बार इनपुट करेंगे सो मशीन सबसे पहले क्या करेगी, मैपिंग फंक्शन से फाइंड करेगी करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या है, ठीक है। सो दैट इन फ्यूचर व्हेन अ न्यू इनपुट इज प्रोवाइडेड इट कैन यूज द मैपिंग फंक्शन टू गेट द आउटपुट, कि मैपिंग फंक्शन को यूज करके ये आउटपुट प्रोवाइड कर दे। इतनी बात समझ आ गई। फॉर एग्जाम्पल मैंने इधर एक एग्जाम्पल लिया है कि मेरे पास एक बास्केट है, ठीक है, ये मेरे पास एक बास्केट है एंड इसमें मेरे पास एप्पल पड़े हैं, मेरे पास मैंगो पड़े हैं, मेरे पास ग्रेप्स पड़े हैं, ठीक है, ये सारा कुछ पड़ा है और मेरे को बड़े सारे मैंगो पड़े हैं, बड़े सारे ग्रेप्स पड़े हैं, बहुत कुछ पड़ा है, ठीक है, इस बास्केट में, ठीक है, बहुत कुछ पड़ा है, लेकिन पड़े एप्पल मैंगो और ग्रेप्स में से कोई एक चीज़ है, पड़े फ्रूट 3 ही है, ठीक है, ये हमारे फ्रूट्स पड़े हैं, ठीक है। मेरे को उसने कहा कि इस बास्केट में फ्रूट्स पड़े हैं, ठीक है, एंड इस फ्रूट को मैं सेपरेट आउट करूं कि एप्पल एक साइड रखूं, मैंगो एक साइड रखूं, ग्रेप्स एक साइड रखूं। बेसिकली यही हुआ कि वो कह रहा है कि अलग अलग फ्रूट को सेपरेट करो, उसने ये नहीं बोला कि एप्पल मैंगो ग्रेप्स सेपरेट करो, वो कह रहा है कि अलग अलग फ्रूट को सेपरेट कर दो, उसने ये बोल दिया कि 3 तरह के फ्रूट्स हैं, ठीक है। सो मतलब मेरे को इतना तो पता है एप्पल मैंगो ग्रेप्स है, कैसे पता लगा, क्योंकि मैंने बचपन से ये चीज सीखी है कि एप्पल रेड कलर का होता है, सो मेरे को पता चल गया कि भाई बास्केट में एप्पल है, मैंगो येलो कलर का होता है, मेरे को पता चल गया कि बास्केट में मैंगो भी और ग्रेप्स ग्रीन कलर का होता है, मतलब बास्केट में ग्रेप्स भी पड़े हैं, बास्केट में ग्रेप्स भी पड़े हैं। सो बेसिकली हुआ क्या उसकी बात करते हैं। सो हुआ क्या कि मेरे पास बास्केट है, एप्पल चेरी बनाना, इन्होंने 3-4 ले लिए, मैंने 3 ले लिए, कि ट्रेनिंग डाटा क्या था कि हमने बचपन से ये चीज सीखी है। ट्रेनिंग डाटा तो वही था लेबल्ड डाटा, जो मैं ऊपर कह रहा था ना कि लेबल डाटा, कि ट्रेनिंग डाटा इज लेबल्ड, वो ये कि हमने जो चीज ट्रेनिंग डाटा है दैट इज फ्रूट्स, फ्रूट हमारा ट्रेनिंग डाटा है, फ्रूट हमारे एप्पल मैंगो ग्रेप्स, ये ट्रेनिंग डाटा है एंड हमने बचपन से ये चीज सीखी है, लेबलिंग इनकी सीखी है कि एप्पल रेड कलर का है, मैंगो येलो कलर का है, ग्रेप्स ग्रीन कलर का, हमने ये चीज सीखी है एंड उसको सीख के हमने अपना टास्क जो है वो परफॉर्म कर दिया। देन सुपरवाइज लर्निंग के 2 टाइप्स है, एक है क्लासिफिकेशन, एक है रिग्रेशन। क्लासिफिकेशन में हम क्लास को प्रेडिक्ट करते हैं, जबकि रिग्रेशन में वैल्यूज प्रेडिक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता कि इसको क्लासिफाई करो ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफाई करो सुपरवाइज लर्निंग को, सो मैं क्या करता, देखता कि किसका रेट ज्यादा है, हाई रेट है एंड किसका लो है, सिर्फ ये देखता। जबकि रिग्रेशन में था मैं देखता कि 70 रुपए के हिसाब से एप्पल बिक रहे हैं, मैंगो भी बिक रहे हैं 60 रुपए के हिसाब से, तो मैंगो 60 वालों को अलग कर देता, ठीक है, 50 वालों को अलग कर देता, ठीक है, ऐसे ऐसे करता। देख लो भाई मेरे को आटे दाल का भाव पता है, मार्केट में क्या चल रहा है, तो मतलब मैं मार्केट भी जाता हूँ, ठीक है। सो इधर से पता चलता है कि मैं मार्केट नहीं, मैं सुपरवाइज लर्निंग भी जानता हूँ, ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। सो अब हम बात करते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग की, है ना, अनसुपरवाइज लर्निंग, ठीक है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की। अनसुपरवाइज लर्निंग बेसिकली है क्या, इसमें नो सुपरवाइजर, पहली बात कि कोई भी सुपरवाइजर नहीं है, पहली बात। सेकंड बात ये
कि इसमें ट्रेनिंग डाटा जो था, ट्रेनिंग डाटा जो हमारे पास था वो अनलेबल्ड है। वो क्या है? अनलेबल्ड है। मतलब कहने का क्या है कि मेरे को फिर कहा कि बास्केट में फ्रूट्स पड़े, बहुत सारे फ्रूट्स पड़े हैं, एंड इसको सेपरेट करो, हर फ्रूट को अलग अलग कंटेनर में डालो। तो इस बार मेरे को उसने क्या किया, ट्रेनिंग डाटा अनलेबल्ड है। मतलब हमें पता नहीं है कि ग्रेप्स है, मैंगो है, एप्पल है, कि ये क्या, ये किस कलर के है, कुछ नहीं पता। हमें सिर्फ इतना पता है कि फ्रूट्स है, हमें ये नहीं पता कि कौन कौन से फ्रूट्स है। वी डोंट नो एनी ऑफ देयर टाइप्स, हमें उनके टाइप्स का नहीं पता कि वो क्या है। मतलब क्योंकि हमने सीखा ही नहीं बचपन से, है ना, हमने कुछ सीखा ही नहीं। पहले हमने क्या सीखा था, हमने ट्रेनिंग डाटा को लेबलिंग कर रखी थी कि एप्पल रेड कलर का होता है, हमने लेबल कर रखा था। लेकिन इस बार हमने अनलेबल किया, हमें कुछ भी नहीं पता, हम दीन दुनिया से ही अनजान है, हम दीन दुनिया से ही अनजान है। मतलब ट्रेनिंग डाटा अनलेबल्ड है। सो इसमें बास्केट दिया है एंड कह रहा है कि फ्रूट को अलग करो। सो ट्रेनिंग डाटा अनलेबल कैसे हुआ, कि हमें कुछ भी नहीं पता। देन हम टास्क कैसे परफॉर्म करेंगे, टास्क हम ऐसे परफॉर्म करेंगे कि जिन जिन एप्पल्स का, जिन जिन फ्रूट्स का साइज बहुत बड़ा है उनको एक कंटेनर में डाल देंगे, जिनका थोड़ा मीडियम साइज है, ये लार्ज है, जिसका थोड़ा मीडियम साइज है उसको इस कंटेनर में डाल देंगे, जिसका बहुत छोटा सा साइज है, स्मॉल साइज है, उसको लास्ट वाले कंटेनर में डाल देंगे, उसको लास्ट वाले कंटेनर में डाल देंगे। इतनी बात समझाई? देन फिर हम इसको फिर सेपरेट करेंगे। इसको मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ जो मेरे इधर लिखा है। देखो, अनसुपरवाइज लर्निंग, नो सुपरवाइजर इज प्रेजेंट, बता दिया मैंने, ट्रेनिंग डाटा इज अनलेबल्ड बता दिया। इन अनसुपरवाइज द मशीन इज गिवन अनलेबल डाटा, ऑब्वियस सी बात है, मैंने इधर बोल ही दिया। देन इट ग्रुप्स दैट, कुछ नहीं है ये। अब देखो एग्जाम्पल देखो, देयर इज अ बास्केट, कि एक बास्केट है, इट इज फिल्ड विद सम फ्रेश फ्रूट्स, बहुत सारे फ्रूट्स इसके अंदर पड़े हैं, ठीक है। एंड द टास्क इज टू अरेंज द सेम टाइप ऑफ फ्रूट एट वन प्लेस, कि एक तरह के फ्रूट एक प्लेस में रखो। कैसे करेंगे? गिवन सिर्फ हमें क्या है, फ्रूट्स है, हमें नहीं पता कि वो एप्पल है, बनाना है, चेरी है, वी डोंट नो एनी ऑफ देयर टाइप्स, ठीक है। सो ट्रेनिंग डाटा अनलेबल्ड है, मतलब जस्ट सम फ्रूट्स वी डोंट नो व्हाट दे आर, हमें नहीं पता भाई वो क्या है क्या नहीं, ठीक है। टास्क कैसे परफॉर्म करेंगे, सबसे पहले मैं रेड वाली चीज एक कंटेनर में डाल लूंगा, रेड वाली एक कंटेनर में डाल लूंगा एंड ग्रीन वाली एक में डाल लूंगा। मेरे पास चीज क्या क्या है, एप्पल है, चेरी है, बनाना है, ग्रेप्स है, बास्केट में ये चीज पड़ी है, बास्केट में ये चार चीजें पड़ी है। क्या क्या पड़ा है, एप्पल, चेरी, बनाना, ग्रेप्स। चेरी है, मेरे एक दोस्त का नाम होता था हर्षप्रीत, मेरे उस दोस्त का नाम था चेरी, ठीक है। सो वो नाम याद आ गया यहां से। सो भाई हर्षप्रीत को हमने इधर डाल दिया, मतलब चेरी को हमने इधर डाल दिया, ठीक है, एंड एप्पल को इसमें डाल दिया, ठीक है। देन ग्रीन में क्या डाल दिया, बनाना एंड ग्रेप्स, ठीक है। अब क्या, अब मैंने इसको और अलग अलग कर दिया, मैंने कहा रेड कलर में जो बड़े साइज है वो एक कंटेनर में डाल दो, रेड एंड बिग साइज, रेड में जो छोटे साइज है वो एक कंटेनर में डाल दो, मतलब एप्पल में, चेरीज में, सेपरेट आउट कर लिया। मतलब मेरे में भी दिमाग है, मैं अनपढ़ ही सही, लेकिन मेरे को पता लग गया कि भाई मैं ऐसे भी कर सकता हूं, मेरे को जरूरी नहीं लेबलिंग करनी हो। सो अनसुपरवाइज लर्निंग में हमें लेबलिंग की जरूरत नहीं पड़ती, लेबलिंग हम नहीं करते, कोई सुपरवाइजर नहीं होता। इतनी बात समझ आ गई। आई होप सबको ये बात समझ आ गई होगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन, थैंक यू। एंड नोट्स जिसको लेने हैं वो ले सकता है, व्हाट्सएप पे या नीचे कमेंट सेक्शन पे मैसेज कर दो, वो ले सकता है, नोट्स सब ले सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। सो नोट्स अगर लेने हो तो जल्दी से व्हाट्सएप कर देना एंड ले लेना। ऑब्वियस ही बात है, नोट्स से एक चीज़ हो जाती है कि मेरे को बार बार नोट्स खोलने नहीं पड़ते, इधर से मैं सीधा अपना एक्सप्लेन करते जाऊंगा, तुम सामने नोट्स खोल के रख लो एंड काम होता रहेगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन, थैंक यू। इसी में मैं थोड़ा सा बताना भूल गया क्या, वो ये चीज कि अनसुपरवाइज के भी टाइप्स होते हैं, अनसुपरवाइज के भी भैया टाइप्स होते हैं, ठीक है। सो अनसुपरवाइज भी दो तरह का है, सीधा मैं इसी को खोल लेता हूं इतनी चीजों से। अच्छा, सो अनसुपरवाइज के टाइप्स, सो देखो अनसुपरवाइज के दो टाइप्स है, क्लस्टरिंग एंड एसोसिएशन। क्लस्टरिंग मतलब डाटा ग्रुप्स विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक, कि सिमिलर टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक के डाटा एक जगह आ गए, ठीक है, एक जगह सिमिलर टाइप के कैरेक्टरिस्टिक के डाटा आ गए। देन एसोसिएशन, डिस्कवर रूल्स अमंग दी डाटा, कि
जिन्होंने जो चीज़ लिया, फॉर एग्जांपल मैंने, मेरा एक शॉपकीपर है, इसके पास पेन पड़े हैं, पेंसिल पड़े हैं, पेन पड़े हैं, पेंसिल पड़ी है एंड इरेजर पड़ा है। सो मैंने क्या किया, मैंने कहा इरेजर वाले इधर आ जाओ, पेंसिल वाले इधर आ जाओ, पेन वाले इधर आ जाओ। ये हो गया एसोसिएशन। कैरेक्टरिस्टिक की बात यह है कि भाई कैरेक्टरिस्टिक में हम क्या बोल सकते हैं कि भाई जिस जिसकी छः छः उंगलियाँ ऋतिक रोशन जैसे, वो इस डब्बे में घुस जाओ, और जिनकी पाँच पाँच उंगलियाँ हैं वो इधर आ जाओ। भाई मैं गलत नहीं कह रहा छः उंगलियों को, पर मैं ये चीज़ कह रहा हूँ एक कैरेक्टरिस्टिक है ना। सो क्लस्टरिंग का ये मतलब हो गया, ठीक है। इसके बाद एक आती है सेमी सुपरवाइज लर्निंग। कि सेमी सुपरवाइज लर्निंग क्या है? सेमी सुपरवाइज बेसिकली सुपरवाइज प्लस अनसुपरवाइज का समेशन है, सुपरवाइज प्लस अनसुपरवाइज का समेशन है, जिसमें जिसमें सेमी सुपरवाइज की अगर बात करें तो सेमी सुपरवाइज में एक चीज बड़ी अच्छी है, सेमी सुपरवाइज सुपरवाइज्ड बेसिकली सेमी सुपरवाइज में लेबल्ड डाटा जो है कम है और अनलेबल्ड ज्यादा होते हैं, एंड अनलेबल्ड डाटा जो है ज्यादा होते हैं। लेबल्ड कौन से है? सुपरवाइज्ड। अनलेबल्ड कौन से? अनसुपरवाइज या नॉन सुपरवाइज, ठीक है, अनसुपरवाइज या नॉन सुपरवाइज, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। सो आगे चले, ऑब्वियस सी बात है सुपरवाइज जिसको हमने इतना ट्रेंड किया वो महंगा भी होगा एंड डिफिकल्ट टू गेट होगा, एंड जिसको हमने सिखाया ही नहीं कुछ वो तो सस्ता होगा ही होगा, होगा वो बंदा तो सस्ता होगा जिसने कुछ पढ़ा ही नहीं, और जिसने पढ़ा है भाई उसको खरीदना तो महंगा है, उसको खरीदना तो महंगा है, ठीक है। इतनी बात समझा गई। सो इसके बाद हम बात करते हैं री एनफोर्समेंट लर्निंग की, चलो इसकी अगली प्रेजेंटेशन में बात करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन, थैंक यू।